हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है कि जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करे, जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करे, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करता है, कब करता है। पहली सिचुएशन ये है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली बिजी है, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टेड है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, जो कि जेन्युइन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली इन्वेस्टेड नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कर रहा है, बस वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, जो कि वो जानबूझकर कर रहा है। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, एक इंसान जब आपको टाइम नहीं दे रहा है तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है उसने आपको ग्रैंटेड ले लिया है। अब ग्रैंटेड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि कब लेते हैं और उससे कैसे बाहर निकलते हैं, ऊपर पॉपअप में आपको दिख जाएगा, आप वहाँ पे वीडियो क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ग्रैंटेड का एक्चुअली मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रैंटेड लोग तब लेते हैं जब उनकी लाइफ में हमारी वैल्यू नहीं रहती। अब वो हमें वो वैल्यू नहीं देते जो वो अब तक देते थे। अब उनके अंदर हमारे लिए कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो हमें टाइम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है हमारे लिए, हमसे बात करने का उनका मन नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। लोग हमें ग्रैंटेड तब लेते हैं जब हम या तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इन्वेस्टेड हो जाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से हमें कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन हमारी तरफ से ऐसे एफर्ट्स, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो सामने वाले के मन से हमारी कहीं ना कहीं अहमियत को कम करती रहती हैं। 24/7 अवेलेबल रहना, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करना, उनके सामने झुकना, अपनी गलतियों पर नहीं उनकी गलतियों पर। अगर आप उनकी गलतियों पर भी उनके सामने झुक रहे हो तो उससे भी आपकी वैल्यू कम हो रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होते हो उससे भी आपकी वैल्यू कम होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे आपकी वैल्यू कम होती है, तो सामने वाला इंसान अल्टीमेटली क्या करता है, वो आपको ग्रैंटेड ले लेता है। और जब वो आपको ग्रैंटेड लेता है तो उसके मन में आपके लिए कोई भी वैल्यू या फीलिंग्स होती हैं बट कम हो जाती हैं, दब जाती हैं, उन्हें दोबारा जगाना पड़ता है। उसके मन में आपको खोने का डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब उसके मन में आपको खोने का डर ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको नहीं समझेगा, आपको वो टाइम नहीं देगा, वो वैल्यू नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। सो पहला रीज़न है जब वो आपको ग्रैंटेड ले लेते हैं। दूसरे रीज़न पे आते हैं, लोग हमें टाइम इसलिए भी नहीं देते क्योंकि शायद वो आपको देने वाला टाइम कहीं और दे रहे हैं। अगर वो इंसान किसी और को ज़्यादा समय दे रहा है, किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ वो निजी संबंध या पर्सनल रिलेशनशिप्स बना रहा है या बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, या उसके दिमाग में किसी और ने कब्ज़ा कर रखा है, कब्ज़ा एज इन किसी और ने नहीं करा है, उसने अपने आप को उस तरफ डाइवर्ट कर लिया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे उसने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया है, उसके मन में कोई और आने लगा है, तो जाहिर सी बात है आप उसके मन से कम होने लगोगे, उतरने लगोगे। और जब आप उसके मन से उतरने लगोगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक इंसान किसी और को समय देता है जो आपको देना चाहिए, तब लोग आपको इग्नोर करते हैं। इसका पता लगाने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम खर्च होता है, लेकिन हो सकता है यही रीज़न हो। थर्ड रीज़न, जब उनका फोकस चेंज हो जाता है। मान लो उन्होंने आपसे दोस्ती करी, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत एफर्ट्स करे, अब उन्हें पता चल गया कि उन्होंने आपको पा लिया है, तो अब आपके पीछे जो उन्होंने टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, अब उन्हें लगता है कि इस टाइम और इस एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब मुझे अपना करियर पे या अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे फोकस करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने दोस्तों को टाइम देना चाहिए, जो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर देते हैं। जब उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है आपका समय तो कम हो गया, तो इसीलिए भी वो बिज़ी होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, उनका फोकस चेंज हो जाता है, वो उनके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो बदल जाती हैं। पहले आप सबसे ऊपर थे, अब आपके ऊपर और चीज़ें आ गई। हो सकता है वो दोस्तों को टाइम देना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, या हो सकता है वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हो सकता है वो अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने जॉब बिज़नेस व्हाटएवर इन सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टेड है।
ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है जब लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उन सब चीज़ों को आप कम्युनिकेट करके भी बात कर सकते हैं उस बारे में, उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज़ से जज कर सकते हैं कि वो अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं उनके चीज़ों को वापस लाने के लिए। उसके बारे में भी मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। यहाँ पे मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि लोग अचानक से बिज़ी होना कैसे स्टार्ट हो जाते हैं, अचानक से उनकी लाइफ में ऐसा क्या होता है जो कल तक आपके साथ चल रहा था वो इंसान अचानक से वो दूर दूर सा होने लगा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा फोकस इस वीडियो में यही रहेगा कि मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि लोग बिज़ी तब भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब उनके मन से आपके लिए जो प्यार होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। अब प्यार ख़त्म कैसे होता है? आपके मन से तो हुआ नहीं, तो सामने वाले के मन से कैसे हो गया? देखो, अक्सर क्या होता है, अभी मेरे पास ना रिसेंटली एक केस भी आया था, मेरे लेस टॉक सेशन में एक केस भी आया था जिसका लगभग संबंध इसी बात से था, और वो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है कई बार कि एक इंसान को पता नहीं होता कि उसे एक्चुअली में प्यार है या वो लस्टी हो रहा है, हवस उसके अंदर आ रही है, इस वजह से वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, वो प्यार है इस वजह से ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन दे रहा है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन दे रहा है एक्सेप्ट लव। प्यार के सिवा और कोई भी वजह अगर है जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर उसने आपको पा लिया, किसी भी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया या किसी मकसद को पूरा कर लिया, सपोज़ उसका मकसद है कि वो आपके साथ फिज़िकल हो, और अगर वो मकसद उसका पूरा हो गया, आप दोनों ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक दूसरे के साथ फिज़िकल इंटीमेट हो गए फिज़िकली, तो उसके बाद उसके मन में क्या है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस तो सॉल्व हो गया। अगर उसके मन से प्यार ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो टाइम क्यों देगा? उसका आप में कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी दिलचस्पी आप में नहीं रह जाएगी, और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो टाइम नहीं देगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बताऊंगा कि लोग बिज़ी कभी भी इतना नहीं होते कि वो आपको बिल्कुल टाइम ना दें। जेन्युइनली बिज़ी की मैं बात करूँ तो कई बार होता है कि कोई इंसान किसी लॉस से गुजर रहा है तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में ऑक्यूपाइड है, वो रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पा रहा, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहा, एकेडमिक्स में बिजी है जिसकी वजह से वो टाइम कम दे पा रहा है, या कोई भी ऐसा बिजनेस में या करियर में इस तरीके से बिजी है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, जॉब का प्रेशर बहुत है, बिजनेस में लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है उस इंसान के साथ में। हालांकि मैं यहाँ पर यही एडवाइस करूँगा लोगों को कि काम सही है, करो फोकस, तरक्की करो, खूब ज़्यादा मेहनत करो, खूब ज़्यादा इन्वेस्ट करो अपने आप को उसमें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखो। वी हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। वर्क लाइफ बैलेंस एक चीज़ होती है जो रियल लाइफ में आपको मैनेज करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इन सब चीज़ों की वजह से बिजी हैं, मे बी शायद थोड़ा टाइम बीइंग के बाद वो वापस अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करें। तो जो लोग जेन्युइनली बिजी हैं उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ता है कि भाई ठीक है, आप अपनी चीज़ें करो, मैं आपका वेट करूँगा या करूँगी। और वेट भी एज इन आपको इतना वेट नहीं करना है, आपको भी अपनी किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होंगी, बहुत कलेश होंगे कि भाई टाइम नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी फ्रूटफुल नहीं होंगी। तो अपने आप को हमेशा बिज़ी रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो कुछ और कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है, ये सब चीज़ें कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको सबक सिखाना चाहिए, आपको उसे पहले समझाना चाहिए, फिर अगर वो समझाने से भी ना आए तो आपको उसको सबक भी सिखाना चाहिए। सबक ऐसे सिखा सकते हैं कि देखो, सामने वाले के मन में आपको खोने का डर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसकी ज़िंदगी में जितना कम आ सकते हो, जितना कम उसकी लाइफ में अपना प्रेजेंस दिखा सकते हो उतना कम दिखाओ। लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम से कम बात करो, पास रहते हो तो कम से कम मिलो। जितना ज़्यादा ऐसा करोगे अपनी तरफ से, उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लिक करेगी कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, व्हाई ही और शी इज़ नॉट गिविंग मी मच टाइम।
वो इंसान मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहा है। और जब ये चीज़ें सामने आएंगी, जब ये चीज़ें उसे अफेक्ट करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस चीज़ को लेकर अवेयर होगा और वो आपके पास खुद आएगा। और जब वो इंसान खुद आएगा तो आप उसे ये चीज़ समझाओगे कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रहा था या कर रही थी क्योंकि तुम टाइम नहीं दे रहे थे। अगर सामने वाले को ये रियलाइज़ होता है तो ठीक है, और अगर तब भी उसे ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, अगर उसके दिमाग में कोई और है या उसको अब नहीं रहना, तो आपको भी फिर उससे धीरे धीरे करके डिस्टेंस करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। रिलेशनशिप दो लोगों से बनती है, अकेले इंसान से नहीं बनती। और अगर ये चीज़ है तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि भाई जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा, जहाँ मुझे टाइम के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, तो वहाँ पे फिर मेरा काम क्या है। ऐसी रिलेशनशिप आप डिज़र्व नहीं करते, आपको ये समझना ज़रूरी है। कोशिश करो सामने वाले को अपने पास रखने की कोशिश करो, सामने वाले को अपने पास लाने की कोशिश करो। अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि आप कैसे इन सिचुएशन से डील कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाइए anubhavagrawal.com, वहाँ पर लेस टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ जाकर आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेशन, कपल सेशन, वीडियो कॉल सेशन, आप कोई सभी सेशन बुक कर सकते हैं और आपको मैं डायरेक्टली हेल्प करूँगा उस सिचुएशन से कैसे डील करें इस चीज़ में। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ इतना समझो, अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल होने से रोको और थोड़ा सा इस सिचुएशन को कामली, पेशेंटली और ठंडे दिमाग से सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो कि कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनल कर लेते हैं या अपने आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम, कि हम चीज़ों का क्या सही है क्या गलत है किसी भी तरीके का पहलू समझ ही नहीं पाते हैं। और जब हमें नहीं समझ में आता तब हमारे साथ दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और हम बहुत ज़्यादा हमारी सारी एनर्जी हमारी रिलेशनशिप में खर्च हो जाती है, हमारा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने जॉब, अपने बिजनेस, किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता, और कहीं ना कहीं हम अपने आप से बहुत दूर जाने लगते हैं। सो आप अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके लिए कोई ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन आप अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको अपनी वैल्यू समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने बताया उन बातों को ध्यान में रखो और उन बातों पर अमल ज़रूर करना, ठीक है। चलो चलता हूँ, एक नई वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज़ हैं तो जैसा कि मैंने बताया आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, या अपने कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अगले टॉपिक के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको फील होता है, जो भी आप चाहते हो मैं आप उस बारे में बात करूँ, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा चैनल को, मुझे मदद मिलेगी।